कह रहे बहन भाई क्या चल है आपको, मैं ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक ठाक होगी। जैसे कि मैंने बताया आपको कि उन मोहम्मद की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, रात उसे हॉस्पिटल लेके गए हुए थे और पीछे से जावर की भी हालत ज़्यादा ख़राब हुई। घर पहुँचे फिर उस मैंने हमें बताया तो उसे मेडिसिन वगैरह दी है, लेकिन अभी दूसरे डॉक्टर की शॉप नहीं, वो क्लिनिक उनका बंद है, उन्हें वहाँ लेकर जाना है लाजमी। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला सबको सेहत दे। तो तुम्हारी भी तबीयत ख़राब लग रही है यार, क्या करूँ, काम तो करना है ना, तबीयत ख़राब हो जाए कुछ भी। उसमें की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है सर, रात में बच्चे के साथ नहीं सोई है, हम भी नहीं सोए, मैं बस ये 2 घंटे सोई हूँ। लोग नाश्ता बनाने लगे सब मेहमानों के लिए, क्योंकि आज सिस्टर लोग से आई हैं, उन्होंने चले जाना है तो फिर नाश्ता तो बना के देना ही है ना। चलो बनाओ नाश्ता। नाश्ते की तैयारी शुरू हो गई। चले अच्छी तरह ठीक है, करवाओ। तो जी ये अंडे बनाए जा रहे हैं जी, और ये हमारा मसाला ये भुन रहा है, और ये अंडे प्याज प्याज टमाटर और ऑमलेट ऑमलेट ये भी ऑमलेट टाइप ही है। अभी रोटी बनानी है, आटा गूंद लिए। चलो क्या कर रही हैं जनाब आप? सर जी मैं बना रही हूँ रोटियाँ बना रही हूँ, सिस्टर हमारी वो बैठी हैं उधर, ठीक है सब, अब अभी बर्तन धो रही हैं। तो आज उस्मान की उस्मान के बेटे की दोनों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मोहम्मद की उस्मान का भी सजा जाके वक्त गुजरा है बच्चे के साथ, तो इसलिए अब सब नाश्ते से अब देर है। ये देख लें तो ये क्या बन रहा है, परौंठे पराठे परौंठे या सादा पराठे बना दें, क्योंकि मैंने कहा बहुत जल्दी से नहीं बनेंगे, दूसरे पराठे चकोर बनाऊँगी। तो अब पता नहीं हमारी मेहमान जो है वो हमारी सिस्टर सादा पराठा ही पसंद करती हैं कि नहीं करती, मैं जो आप खाएंगे वही जी। सर जी एक एक करन लगी है यारे, वो ना सिस्टर कह रही है मुझे गरम पराठा अभी जैसे तवे से उतरा है ना उस पे मुझे अंडा लगा दे। वेरी गुड। मैंने कहा सिस्टर ये ले, देखिए सिस्टर ना अब मजा आएगा। और वो देखे हमने अपनी भी फहरिस्त में शामिल कर लिया अहमद को, वो भी अपना पीर भाई हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह खुदम बना रहे हैं, अब चाय चाय बन रही है खुदम। चलें जी खुदम बना रहे हैं सब बहन भाइयों के लिए अब चाय, अब हम पियेंगे। मैं तो बहन नहीं हूँ यार, मैं तो इनकी वाइफ हूँ, तो क्या कहते इसे, और बाकी सब बहन भाई जिन्होंने चाय पीनी है सबके लिए चाय तैयार हो रही है। तो ये खुद हम बैठे हैं चाय पी जा रही है, नहीं चाय अहमद और सबा हंसों की जोड़ी दोनों बैठे हुए हैं, और ये हमारी सिस्टर जिन्हें आज हमने अलविदा कहना है, और ये है भैंस और बकरे की जोड़ी। मैं आप सर आप जो मर्जी कहते रहे मुझे कोई टेंशन नहीं। अस्सलामुअलैकुम माई YouTube फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरे हाथ पे चाय, और ये चाय बनाई है सिस्टर रुबीना ने, जो कि बड़े ही प्यार से उन्होंने बनाई है मेरे लिए, और बड़ी मज़े की चाय बनाई है, जैसी मैं पीती हूँ वैसी चाय। भाई देखिए हमारे यहाँ जो भी बहन भाई आते हैं हमारा फ़र्ज है उनकी इज्जत करना, उनके मयार पर पूरा उतरना। मैं तो जो बहन भाई नहीं, मैं तो अब आप लोगों के घर का एक हिस्सा हूँ। भाई सिस्टर डर लगा रहता है ना, क्योंकि हम भाई हमें तो डर लगा रहता है कि बाहर निकल के कोई वीडियो ही ना हमारे खिलाफ बना दे। जय मैं आपसे बोलती ही नहीं 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 अहमद भाई मैंने सच कहा गलत कहा? मैं नहीं बोलती, हम बहुत डरते हैं भाई, जब तक नहीं सिस्टर आपसे आपसे कोई डर नहीं है हमें।
आपसे कोई डर नहीं है। अच्छा, वीडियो के अलावा मदर लगी भी जी 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 तो वो लगी भी हुई है वीडियो के अलावा, लेकिन हमें टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, हम अपनी जिंदगी में मस्त वीडियो लगाते हैं। हाँ जी, घर आते हैं, आपका नमक खाते हैं और आपके खिलाफ ही फिर बोलते हैं, वही नमक हराम कर रहे हैं ना। बंदा भाई उनके उनके जिन्होंने खिलाफ वीडियो बनाई है उन्होंने सिर्फ हमारे थंबनेल लगा लगा के इतने इतने व्यूज लिए हुए हैं। उस टाइम सब अहमद व्लॉग वाले, रुबीना उस टाइम कहाँ थी? मेरी बात सुने, वो मजा तब आता है कि बंदा जब नहीं, जब रुबीना कहाँ थी, जब सब अहमद व्लॉग वाले कहाँ थे, बंदा पूछा उनसे। बिल्कुल ठीक है जी, उनको कहा है कि सबसे कहा है कि आहिस्ता आहिस्ता सबसे मुलाकात होगी, अब वो बैठे हैं, उनकी मर्जी है, उनका जहाँ दिल चाहेगा वो जाएंगे। देखिए एक दिन तो कहीं भी दावत पे जाएं, फिर रेस्ट तो करनी पड़ती है। बिल्कुल नहीं, अपने घर को भी देखना पड़ता है, अपने घर को भी देखना पड़ता है, जरूरी नहीं अब एक यूट्यूबर थोड़ी है। हाँ जी, और भी जिम्मेदारी, और भी जिम्मेदारियाँ। तो जी बाकी जो मेरे ख्याल से हमारा आज का व्लॉग इतना ही काफ़ी है। हाँ जी, सिस्टर जा रही हैं, तो जी आज आज का व्लॉग हमारा इतना था, बच्चे भी बीमार हैं, तो फिर भी हम सिस्टर से बहुत हंसी खुशी से हम पेश आ रहे हैं कि अल्लाह ताला इन्हें खैर खैरियत से अपने घर पहुंचाए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय बाय। चलो अल्लाह तानु खैर खैरियत ना लेके जावे, साडी दुआवां ने मैं खैर खैरियत से घर पहुंच जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच दी, सानू खत पा देना तुसी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जाते ही मैं आपको बता दूंगी कि मैं पहुंच गई हूं घर। चले जी, हमारे मेहमान आज जा रहे हैं, सिस्टर हमारी जो लाहौर से आई थी और अब वो जा रही हैं।